हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी हमारे एक 250 मेगावाट के टरबाइन है, उसकी जो जनरल कम थ्रस्ट बियरिंग है, बियरिंग नंबर 2 HPT रियर, वो डैमेज हो गई। तो उसका देखते हैं कि वो बियरिंग होती कैसे है और तो उसमें क्या डैमेज हुआ है। तो ये सामने आप देख रहे हो, ये हमारे है HPT रियर बियरिंग जनरल कम थ्रस्ट। तो ये आप इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कुछ इश्यू आ गए थे ल्यूब ऑयल टेम्परेचर की वजह से ये डैमेज हुई है। इसमें आप ये देख सकते हो, ये हमारा जनरल है, उसके बाद ये हमारे थ्रस्ट पैड हैं, ये थ्रस्ट कॉलर हैं, उसके बाद ये हमारे बॉटम हाफ है इसका बियरिंग का, और ये मैं अभी इसका आपको टॉप आप दिखाता हूँ कि उसमें डैमेज हुआ क्या है। डैमेज के लिए हम देखते हैं इसका टॉप आप। ये टॉप आप दिखाते हैं आपको, ये जनरल कम थ्रस्ट बियरिंग का टॉप आप है। तो अब आप जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए इसका जो बेबिट मटेरियल है ये पूरा डैमेज हो चुका है, वाइट मेटल और बेबिट पूरा उखड़ चुका है। तो इसका रीज़न था कि बियरिंग टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गए थे। उसके बाद ये आप उसके थ्रस्ट पैड हैं जो एक्सियल मूवमेंट को रोकते हैं उसके रोटर के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।